नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंद्रक नैयर। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपर फास्ट न्यूज में। दिल्ली सरकार के अधिकारों के संबंध में जारी अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्र ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार की किसी अधिसूचना पर हाईकोर्ट बिना सरकार को जानकारी दिए और उसका पक्ष जाने कैसे आदेश दे सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश 20 मई को रिजर्व कर लिया था, जबकि केंद्र की अधिसूचना 21 मई को जारी हुई। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सरकार ने केंद्र के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इसके अलावा 2014 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। याचिका में दिल्ली सरकार के अधिकारों और एलजी के दायरे का भी जिक्र है। सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष को वरिष्ठ वकील राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह रखेंगे। राजस्थान सरकार और गुर्जरों के साथ आरक्षण को लेकर समझौते के साथ ही बीते 8 दिनों से जारी गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। अब राज्य सरकार गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के लिए अलग से बिल लाएगी। सरकार नया बिल विधानसभा में पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करेगी। वैसे गुर्जरों को ओबीसी वर्ग में पहले से 5% आरक्षण का बिल पारित है, लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। समझौते के साथ ही राजस्थान में गुर्जर आंदोलन से हो रही यात्रियों की परेशानी भी अब खत्म हो गई। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आज से सभी ट्रेनें चल सकेंगी। राज्य सरकार और गुर्जरों के बीच आरक्षण को लेकर समझौते के बाद गुर्जरों ने रात को ही ट्रैक और हाईवे खाली करना शुरू कर दिया। बीते 8 दिन से चल रहे इस आंदोलन की वजह से रेलवे को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। 8 दिन चले आंदोलन के चलते करीब 2 लाख लोगों ने अपने टिकट रद्द कराए। राजधानी एक्सप्रेस में छेड़खानी के आरोप में रेलवे के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि पीड़ित जब अपनी मां के साथ भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी, तब उसे रेल के कैटरिंग स्टाफ ने छेड़खानी की। यही नहीं, आरोपी ने जबरन महिला से उसका मोबाइल नंबर भी लिया। लड़की ने ये बात अपनी माँ को बताई। इसके बाद दूसरे यात्रियों ने मिलकर आरोपी को पकड़ कर उसे ट्रेन सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया। देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। गर्मी के चलते देश भर में अब तक 1826 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके में भी तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पारा 41.8 डिग्री तक रहा, तो आज तापमान 28 से 43 डिग्री सेल्सियस के साथ धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। तेज गर्मी के चलते देश में सबसे ज्यादा मौत आंध्र प्रदेश में हो रही है। गर्मी और लू के चलते आंध्र प्रदेश में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 1300 पार कर गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 314 लोगों की मौत हुई है। प्रकाशम में सबसे ज्यादा 305 मौतें हुई हैं। इसके बाद गुंटूर में 197 और पूर्वी गोदावरी में 158 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले मंगलवार को नंदीग्राम और उंगुल में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर राजनीति में आने से इनकार कर दिया। रायबरेली दौरे में प्रियंका से एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने इस बारे में सवाल पूछा था। जवाब में प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें यहीं रहने दो, वहां क्यों भेज रहे हो। कहते हैं कि आप जो है भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस में आए दिन प्रियंका के राजनीति में आने की मांग उठती रहती है। इससे पहले भी प्रियंका राजनीति में आने के सवालों को नकार चुकी हैं। प्रियंका खुद को सिर्फ अपनी मां सोनिया और भाई राहुल के संसदीय क्षेत्र में प्रचार तक ही सीमित रखती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने NSUI के कार्यक्रम में बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी के साथ संघ पर भी जमकर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने PM मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि PM मंगोलिया तक चले गए, लेकिन अब तक किसान के घर नहीं गए। राहुल ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ में अनुशासन के नाम पर तानाशाही चलती है। RSS की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल यूं। उसमें किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के RSS पर हमले का जवाब देते हुए संघ ने इसे राहुल की हताशा और अज्ञानता करार दिया है। RSS के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा कि हर वर्ग में RSS की लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर युवा वर्ग में इसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल के संघ पर दिए ऐसे बयान उनकी हताशा और संघ के प्रति अज्ञानता को दिखाते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कटाक्ष करने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि पीएम विदेश छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं। पिछली 10 वर्षों की जो सरकार कांग्रेस की चली है बहनों भाइयों, जमकर इसे हिंदुस्तान को लोगों ने लूटा है। हमारे प्रधानमंत्री ये यदि विदेशों में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते हैं, मौज मस्ती लेने करने के लिए नहीं जाते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जनता पार्टी में विलय की उम्मीदों को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम को समय देने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि उनकी मुलाकात की एकमात्र वजह बिहार में किसानों की खराब होती स्थिति है। मांझी इससे पहले भी कई बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पटना में पार्टी लाइन से अलग बयान दे दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उमा ने कहा कि या तो बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी ही सरकार बनाएगी, जबकि अब तक पार्टी नीतीश के साथ किसी भी तरह के समझौते से इंकार करती आ रही है। मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूं कि नीतीश जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इसके अलावा यहां और कुछ नहीं हो सकता। एक रैंक एक पेंशन की बरसों पुरानी मांग पर कई घोषणाओं के बावजूद अमल का इंतजार कर रहे पूर्व सैनिकों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहां तक कि 1971 युद्ध के हीरो पूर्व सैनिक विंग कमांडर सुरेश कार्णिक ने रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के कार्यक्रम में जाने से ही इनकार कर दिया, लेकिन इसके लाभ का पूर्व सैनिकों को अपने खातों में अब तक इंतजार है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लश्कर ए इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने दूरसंचार कर्मचारियों को एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि वो तुरंत टेलीफोन सेवाएं बंद कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। अब ये संगठन लोगों को धमका रहा है कि अगर उन्होंने अपनी इमारतों या जमीन पर लगे सेलफोन टावर नहीं हटाए तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खुलेआम आतंकियों के समर्थन में बयान देने से विवाद खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में सोपोर में हुए हमले पर बोलते हुए यासीन मलिक ने कहा कि अगर आतंकी सोपोर में हत्याएं नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है। मलिक ने कहा कि कश्मीर में सेना की बंदूकें चलती हैं, यानी यासीन मलिक ने इन हत्याओं के पीछे सेना का हाथ होने की आशंका जताई है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन से अपील की है कि इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर हमलों का पता लगाएं। असम के सोनितपुर में 6 साल के मासूम बच्चे की बलि दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जब स्थानीय लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने बच्चे की बलि लेने वाले पुजारी को भी पीट पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक मारे गए बच्चे के पिता और आरोपी पुजारी में पुरानी दुश्मनी थी। ये पूरी वारदात दिन दहाड़े हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूजा मिश्रा और श्रुति गुप्ता पर महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ बदसलूकी और हाथापाई के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पूजा और श्रुति का आरोप है कि रात को घर जाते वक्त ऑडी में बैठे 2 युवकों ने उन पर घटिया कमेंट्स किए। इसी दौरान IPCR को देखकर दोनों युवक भाग गए। दोनों एक्ट्रेस का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर दोनों युवकों को भागने दिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया, लेकिन दोनों एक्ट्रेस ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और पुलिस पर असल अपराधियों को भगाने का आरोप लगाया। इसी के बाद दोनों एक्ट्रेस ने थाने में जमकर हंगामा किया और महिला कांस्टेबल के बाल खींचे और मार पिटाई की। थाने में महिला कांस्टेबल के साथ बदसुलूकी और मारपीट के मामले में मॉडल पूजा मिश्रा ने अपना पक्ष रखा है। IBN 7 से बातचीत में पूजा मिश्रा ने बताया कि गलती पुलिस की थी और वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पूजा के मुताबिक पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस वालों और महिला कांस्टेबल ने ही उनके साथ बदतमीजी की। पूजा ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनको साइड में ले जाकर पीटने को कहा ताकि CCTV में कैद न हो। हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित नेने को नेस्ले की आटा मैगी को हेल्दी बताने पर नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में माधुरी से पूछा गया है कि विज्ञापन में मैगी खाने से स्वास्थ्य के दावे उन्होंने किस आधार पर किए। उनसे ये भी पूछा गया है कि क्या वो खुद भी मैगी का इस्तेमाल करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो क्यों? उधर मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच के लिए मैगी के सैंपल मंगवाए हैं। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर महिला ठग को गिरफ्तार किया है। 26 साल की ये महिला 5 जिलों में वांटेड है और हर जगह इस महिला के नाम पर मामला दर्ज है। खुद को IAS और पिता को IPS ऑफिसर बताकर इसने कईयों को चूना लगाया है। यहां तक कि जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने पुलिस को भी धमकी दे डाली। महिला पर राजस्थान में हाई प्रोफाइल लोगों से पैसे ऐंठने, उनकी गाड़ियों को लेकर रफू चक्कर हो जाने का आरोप लगा है। दिल्ली के करोलबाग से आई खुशबू शर्मा और पूजा और प्रिया और न जाने इस महिला के कितने नाम हैं। सोशल साइट्स पर भी इस महिला ने खुद को IAS बताकर प्रोफाइल बना रखा है।
कभी आईएएस तो कभी कॉलेज की छात्रा बनकर इस महिला ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया है और टेस्ट ड्राइव के नाम पर कई कारों की चोरी भी की है। ये पिछले 3 महीने से नंबर प्लेट बदल बदल कर जयपुर में घूम रही थी। इसके खिलाफ ठगी के कुल 150 मामले दर्ज हैं। प्रीमियम ट्रेन सर्विस को रेलवे जल्द ही सुविधा नाम से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। जुलाई से कुछ बदलावों के साथ इसे शुरू किया जाएगा। रेलवे ने 50 से अधिक प्रीमियम ट्रेन डायनामिक फेयर सिस्टम के आधार पर बड़े शहरों को जोड़ने के लिए चलाई थी। ये एयरलाइन बुकिंग मॉडल पर काम करता है, जहां शुरुआती किराया तत्काल टिकटों के किराए के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे टिकटों की संख्या कम होती जाती है और रवाना होने की तारीख नजदीक आती जाती है, किराया बढ़ता जाता है। हैदराबाद में ईटीवी नेटवर्क की ओर से पुलिस और पत्रकारों के रिश्तों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र ने कार्यशाला में पत्रकारों को वक्त के साथ ज्यादा सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने इस कार्यशाला को पुलिस और मीडिया के संबंधों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम करार दिया। कार्यशाला में पुलिस के कई आला अधिकारियों ने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पत्रकारों को अहम जानकारियां दी। सीतामढ़ी की अमृता और रूबी ने साबित किया है कि जब हौसला है तो कुछ भी संभव है। पटना के एक एनजीओ की मदद से पढ़ाई कर रही दोनों बहनें अपने घर से भागकर यहां पहुंची। दोनों बहनों को उनके माता पिता ने 2 साल तक घर में ही इसलिए कैद रखा था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। दोनों की पढ़ाई छुड़वाकर उनसे घर का काम करवाया जाता था। अब पढ़ लिख कर अमृता फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहती है और रूबी कराटे चैंपियन। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की साख पर बट्टा लग गया। फीफा के 2 उपाध्यक्ष समेत 14 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ज्यूरिख में जब फीफा के नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब इस संस्था के कई शीर्ष अधिकारियों को पुलिस ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को रिश्वत में $10 करोड़ से अधिक लेने के आरोप में निर्वासित करके अमेरिका भेजा जा सकता है। इस बीच खेल यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी नाइकी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। अधिकारियों ने पूछताछ में इस कंपनी के भी शामिल होने की बात की है। वहीं फीफा के प्रेसिडेंट का चुनाव शुक्रवार को ज्यूरिख में होगा। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने विंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथी खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपॉल को विदाई टेस्ट खेलने की इजाजत देने की मांग की है। लारा ने कहा है कि बीसीसीआई ने जैसी विदाई सचिन तेंदुलकर को दी, वैसी विदाई विंडीज बोर्ड भी चंद्रपॉल को दे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है। जिम्बाब्वे के कप्तान एल्टन चिंगुबुरा को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के अगले 2 मैचों से निलंबित कर दिया गया है। पहले वनडे मैच के दौरान स्लो ओवर रेट की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से हिंडल्को में खेला जाएगा। पहला मैच जीत चुकी इंग्लैंड की टीम के हौसले बुलंद है। इराकी सेना और आईएस के आतंकवादियों के बीच बेजी ऑयल रिफाइनरी के पास घमासान छिड़ा हुआ है। खबर है कि इराक की इस सबसे बड़ी रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आतंकियों ने आग लगा दी है। चीन में एक बस ड्राइवर की जान उस वक्त बाल बाल बच गई जब वह बस चला रहा था। बस चलाते वक्त एक बड़े पत्थर का टुकड़ा तेजी से शीशे को तोड़ता हुआ ड्राइवर की छाती से जा टकराया। गनीमत यह रही कि हादसे में ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। दरअसल दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से पत्थर का टुकड़ा गिरकर बस में आ गिरा था। 5वीं चीनी मोटरबोट लीग के आखिरी दिन चीन के वुजिंग नदी पर फ्लाइंग मैन ऑन वाटर एक्ट परफॉर्म किया गया। 3 दिन तक चली इस लीग में विदेशी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन चीनी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। इस लीग में दर्शकों ने फ्लाइंग एक्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया। शाहरुख और आमिर ने सलमान की अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। इसके लिए सलमान खान ने ट्विटर पर कहा है, फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक शेयर करने के लिए शाहरुख और आमिर का धन्यवाद। गैंग्स ऑफ वासेपुर और बदलापुर में 7 काम करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी फिर 7 नजर आएंगे, लेकिन इस बार दूसरे अंदाज में। दरअसल एक विज्ञापन कंपनी इन दोनों के साथ एक एड बना रही है। प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वह अमेरिका में इस हद तक नस्ल भेद की शिकार हुई हैं कि उन्हें अमेरिका छोड़ने का फैसला करना पड़ा। प्रियंका के मुताबिक 12 साल की उम्र में वो स्कूली पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई थी, लेकिन रंग भेदी भावनाओं से परेशान होकर लौट आई। अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पीकू को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। 8 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को 3 हफ्ते बाद भी खूब दर्शक मिल रहे हैं।